देव श्रीवास्तव के साथ आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज। बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोपहर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी खीरी पूनम ने सदर कोतवाली क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के कर्मचारी के साथ हुई 7,75,000 की लूट का खुलासा कर दिया। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पास से लूटी गई रकम का करीब 2,05,000 बरामद हुआ। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे मामले पर एसपी खीरी ने क्या कहा जानें। 9 तारीख को जो कोतवाली सदर क्षेत्र में गोटैया बाग जगह पर जो लूट हुई थी, 7,75,000 रुपए की लूट की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके अनावरण के लिए हमने टीमें बनाई थी, जिसमें सदर थाने की और क्राइम ब्रांच की टीम ने काफ़ी मेहनत की और एक अभियुक्त वीरेंद्र वर्मा उर्फ पहुना, ये जो घटना में लूटे गए थे उनमें से 2,05,000 रुपए और एक तमंचा 315 बोर का, 2 कारतूस, एक मोटरसाइकिल इससे बरामद हुई है। और इससे जो घटना के समय पहने हुए कपड़े थे वो भी बरामद किए गए हैं, जो कि वादी ने पहचाने हैं। और जो फुटेज में जगह जगह जो कैमरे लगे हुए थे उसमें फुटेज में ये पूरा आए हुए थे। इसका जो दूसरा साथी है सुड्डू, वह अभी फरार है। सुड्डू उर्फ अनुज पांडे, ये दोनों नीम गांव के रहने वाले थे ओरिजिनली, जो अभी वर्तमान में इधर रह रहे थे। दोनों 2014 में फरधान थाने से डबल मर्डर में जेल गए थे और जेल से छूटने के बाद ये दोनों ट्रैक्टर लेकर लहरपुर क्षेत्र में खनन का काम कर रहे थे। और जो ट्रैक्टर किश्त पर लिया था वो किस्त ना जमा कराने की वजह से दोनों के ट्रैक्टर सीज हो गए थे, जिसको छुड़ाने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी। और तब इनमें, क्योंकि एक अभियुक्त यहीं जो शराब गोदाम है जिसके कर्मियों के साथ लूट की थी इन्होंने, उसके पास ही रहता था, उसने रेकी करके तब ये घटना को प्लान किया था और साथ में इस दूसरे अभियुक्त को लिया था। और घटना का अनावरण करने वाली जो टीम है उसमें काफ़ी इनसे जो पूछताछ हुई है अभियुक्त से, उसके आधार पर काफ़ी चीज़ों की जानकारी हुई है। जो दूसरा अभियुक्त उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और बाकी जो कैश है वो भी रिकवर किया जाएगा। और घटना का अनावरण करने में लगी हुई टीम को प्रोत्साहन स्वरूप 10,000 रुपये की नकद धनराशि भी हम दे रहे हैं।